श्री शिवाय नमस्तु। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग करने गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान, रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है, भैया तेरा मैं पैसा लुटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है, रतिमान। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। मां घी का दिया लगाइए अगर 40 का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान 40 का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठ कर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखे, अपने साथ रखे। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से रामरक्षा स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी, केवल मन से। और ये नहीं कहते हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा, वो प्राप्त होगा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। चढ़ाओ एक लोटा जल, कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिस कर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो, एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो दो पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चितता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए, नहीं हो रहा बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर, 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। शुतर रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए रोग निवारण।